की बाकी किसी मनुष्य के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। ज्योतिष की बात अलग है, ज्योतिष में ग्रहों का उपाय किया जाता है, लेकिन कोई ये कह दे कि हम किसी का भूत प्रेत हटा दें, कोई कह दे हम किसी का ऊपरी चक्कर हटा दें, गलत बात, रॉन्ग नंबर, ऐसा नंबर डायल मत करिएगा, नहीं तो परेशान आप लोग होंगे। ये मैं आचार्य किया हूँ, ज्योतिष से आचार्य है, मैंने प्रैक्टिकल किया है। कई लोग ऐसे गांव देश में अंधविश्वास में लोगों से न जाने के बिना पैसा ले लेते हैं और ऐसी ऐसी वस्तुएं बनाते हैं जो देवता कभी खाते नहीं है। शारदा मैया को ले जाना, भैया इतना बड़ा, कोई भी देवता मांस मदिरा का सेवन नहीं करता, पहली बात। कोई भी देवता किसी भी प्रकार की सात्विक देवता बलि नहीं लेते हैं और माता तो कदापि नहीं लेते हैं। माता दुर्गार्चन पद्धति मार्कंडेय पुराण में नारियल बलि का वर्णन आया है, नारियल बलि, जायफल की बलि, नींबू की बलि और कुष्मांड बलि, बाकी कोई बलि नहीं दी जाती, सब व्यर्थ की बातें हैं। नारियल की बलि दी जा सकती है माता को, पुराणों की बात बता रहा हूं, मानिए ना मानिए आपके ऊपर है। जायफल की बलि, नींबू की बलि और कुष्मांड, जिसका पेठा बनता है, जिस कद्दू का पेठा बनता उसकी बलि, बाकी और किसी भी बलि की कोई प्रथा ही नहीं है। बलि आलभेद, अगर किसी पशु के निमित्त आपने बलि का संकल्प लिया है तो आलंबन स्पर्श करके उसे छोड़ दीजिए, उसके निमित्त जितने वजन का वह पशु होगा दान करना पड़ता है, धन खर्चा करना पड़ता है, तब जाकर उस बलि का फल मिलता है। ये बात त्रेता में रामावतार में श्री राम जी ने स्पष्ट रूप से प्रमाण दिया है। मैया की बात सुनी, मन सुनता एक मटका दही रख गया, बोला मैया मोए पतो न है तेरे लल्ला ने कौन सो चमत्कार करो। एक बाल बाल कह रहे सो, मैंने सोचा पहले मैया बाजी मार दो, जानते सब बाल बाल तन सुखा आए वो भी खाए उन्होंने भी, बाल बाल आपस में मीटिंग किए थे, देखो सब लोग पेट भर खा लेंगे तब मैया को बताएंगे क्या बात है। त्रेता के सारे ऋषि हैं जो द्वापर में गोपी बन के आए हैं, पता है इनकी तपस्या कितनी थी महाराज, पूरा एक युग बीत गया, राम जी का दर्शन नहीं हुआ। अंतिम समय में जब राम जी के पास पहुंचे ना, इनके शरीर पे ना तो मांस थी ना तो रक्त था, केवल हड्डियां बची थी। भगवान की कड़ी तपस्या ये ऋषि की है। और जब पहुंचे भगवान भगवान ने कहा रुको ऋषियों, अभी मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पूर्ण रूप में तुम हमको प्राप्त करोगे द्वापर। ये सारे धर्मक्रम के ऋषि हैं। आज भगवान से इतना अनंत प्रेम है कि भगवान के लिए जीते हैं, भगवान के लिए मरते हैं, भगवान के लिए सोते हैं, भगवान के लिए जगते हैं। संसार कौन क्या कहेगा इसकी परवाह नहीं है, लेकिन भगवान कुछ न कहेंगे, इसलिए भगवान को कभी निराश नहीं देखना चाहते हैं। गोविंद की कृपा को देखिए कि भगवान कृपा, आज पृथ्वी जी महाराज ये सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि हे भगवान क्या कारण था कि नंद बाबा और मैया यशोदा को भगवान के इतना वात्सल्य का भाव मिला। Thank you.
थोड़ा सा इतना जल्दी भगवान को आने के लिए जो उनका काम Thank you.